अभी जो है मैं उदयपुर में हूँ। आज के वीडियो में जो है हम यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। जो है मैंने टिकट ले लिया है सिटी पैलेस उदयपुर का। अभी जो है अंदर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे टिकट का जो फेयर है प्राइस वो 300 है अडल्ट के लिए। बच्चों के लिए जो है, बच्चों के लिए कितना? 100। और थैंक यू। सो अडल्ट के लिए जो टिकट है वो 300 है और बच्चों के लिए 100 है। और डिफेंस में बाकी टीचर्स के साथ आ रहे हो तो बहुत सारे, अगर आपके पास जो है आईडी कार्ड है तो उसमें कंसेशन मिल जाएंगे। और अभी जो है हम लोग एंट्री कर रहे हैं और ये टिकट लिया है। तो देखो जैसा आप एंट्री करोगे इस तरीके का व्यू है। तो अभी डायरेक्टली हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये जो पैलेस है उदयपुर का सिटी पैलेस, ये हमने एक्सप्लोर किया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे राजा का आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, दूसरा जो पार्ट है वो रानी का है। तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले बहुत सारी चीज़ें की गई है, जैसे वो कैसे रहते थे, बाकी की चीज़ें बहुत सारी, म्यूज़ियम्स की, पेंटिंग्स की, और बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग गॉडेस के। तो ये जो है अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं। और अगर आप सिटी लाइक आप अगर इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में तो आप आ सकते हो यहाँ पे। और मेरा रिकमेंड रहेगा कि अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप टूर गाइड कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप 4-5 घंटा निकालिए और यहाँ पे आके जो है पूरा अच्छे से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, वो रीड करके जो है आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और इसी सिटी पैलेस के अंदर जो है होटल्स भी है, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो है कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, जाहिर सी बात है पैलेस के अंदर है। जो पैलेस था, ये पैलेस को जैसे जैसे राजा चेंज हुए उसके हिसाब से जो है इसका जो प्लेसेस उनकी, उन्होंने अपने हिसाब से जो है पैलेस को एक्सटेंड किया है। सिटी पैलेस है, इसका टाइमिंग सुबह के 9-9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का जो है टाइमिंग है। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आ सकते हैं, बट मेक श्योर आप ऐसा काउंट करके आएँ कि 3-4 घंटा यहाँ पर जाने वाला है आपका। ओके, सो अभी एग्ज़िट कर रहे हैं हम लोग। सो सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद जा रहे हैं दूसरे टूरिस्ट प्लेस पे, जो है बागोर की हवेली, जो सिटी पैलेस से 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे है। और इवनिंग में जो है वहाँ पे जो है डांस होता है, कल्चरल डांस, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। अभी उसका टिकट प्राइस शायद 5:30 बजे से पहले मिलता है और जो डांस स्टार्ट होता है वो 7 बजे स्टार्ट होता है, जो 8 बजे तक चलता है। तो अभी वही जा रहे फटाफट, क्योंकि अभी जो है 5:12 हो चुके हैं, 10-15 मिनट और है। बट ये सिटी पैलेस से बहुत नज़दीक है और यहाँ पे बहुत सारे लोकल शॉप है। यहाँ पे बहुत सारे लोकल शॉप है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो ये जो है बागोर की हवेली, पहुंच गए हम लोग और हमने टिकट ले लिया है। पर पर्सन का 55 रुपीज़ है और ये 5:30 बजे तक ओपन होता है। उसके बाद भी जो है इवनिंग में कल्चरल डांस होता है जैसा मैंने बताया, तो वो उसका टिकट प्राइस अलग है, 100 रुपीज़ पर पर्सन है। ठीक है, तो पहले ये विज़िट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है वो डांस शो का भी जो है जब देखेंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हो। ओके, डन। ये बागोर की हवेली में जो है आपको बहुत सारे टाइप्स के पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टैचू आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग महाराजाओं की, और यहाँ पे रॉयल वेडिंग कैसे होती है उसका भी डिस्प्ले किया गया है। सो और यहाँ पे जो है टर्बन्स, आप पगड़ी अलग अलग टाइप के देख सकते हैं, पूरे इंडिया में जो महाराजा यूज़ करते थे और अभी भी वो कल्चर चला आ रहा है वैसे, पगड़ी की, राजस्थानी पगड़ी, फिर उसके बाद मराठा पगड़ी, तो अलग अलग टाइप के मुगल्स के टाइम की पगड़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस बागोर की हवेली में। सो अभी मैं गंगोर घाट में हूँ और
ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट के जस्ट बाजू में है ये बागोर की हवेली है। वहाँ से निकलोगे, जैसे दो कदम चलोगे आपको गंगोर घाट दिख जाएगा, ये एंट्रेंस है। अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ नहा भी सकते हो, देखो बच्चे लोग बहुत सारे नहा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से एंट्री गेट करोगे जाके नहा सकते हो। और ये कुछ इस तरीके का व्यू है, अभी सनसेट हो रहा है। बजे से स्टार्ट हुआ था, 8 बजे तक ख़त्म हो गया। और कुछ क्लिप्स मैंने डाल दिया है तो आप देख के कमेंट करो कि कौन सा अच्छा था। और अगर आप आ रहे हो उदयपुर तो ये मस्ट है कि आप यहाँ के कल्चर्स के हिसाब से ज़रूर विज़िट करें। जो है अभी कल्चरल डांस देखने के बाद बोगर हवेली में जा रहे हैं, अभी अमरोही घाट जा रहे हैं। वहाँ से नाइट भी बहुत अच्छा आता है, 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर है, तो अभी जा रहे हैं वहाँ। तो ये नाइट व्यू है अमरोही घाट से उदयपुर का। अगर आप यहाँ पे आओगे तो रात में विज़िट करो, काफ़ी अच्छा साइट है। इस पर बैठ के आप जो है आराम से इवनिंग में चिल आउट कर सकते हैं। और अभी हम लोग अमरोही घाट जो है एक्सप्लोर करके जा रहे हैं यहाँ से। इवनिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग है, आप पूरा व्यू आता है पैलेस का और होटल का भी, तो फ़ोटोज़ ले सकते हैं आप। और यहाँ पर बैठ के बहुत शांति है, बहुत अच्छा है। अब जो है 9:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। और इसका एंट्री फीस जो था वो 20 रुपया था और टाइमिंग 10 बजे तक का है। और मॉर्निंग में आप 9 बजे के बाद आइए कभी भी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ होटल में, वहाँ से खाना खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा। कल सुबह में जो है दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर जाऊँगा उदयपुर के, और वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।